पकड़ दल के चल गए लूट लेता दोकान बरती चले तो दुकान नहीं लूटला बच्चा का मार का भाग गया पोता। क्या मांग करते इस घटना को लेकर? सीबीआई का जांच करवा दीजिए, जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। किसी से उसका कभी तुतु मैं हुआ था? नहीं, 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 आप लोगों का कभी हुआ था? नहीं, 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 या आपके परिवार के किसी से रिश्ता हुआ था? बिहार के गद्दी पर बैठने वाले वो तमाम आला अधिकारियों, वो तमाम नेताओं, आपके राज में यदि इस प्रकार से निशंस हत्याएं होती रहेगी और ये बेखौफ होकर के अपराधी ऐसे अंजाम देते रहेंगे तो आपके रहने और न रहने से क्या फायदा? हम जहां खड़े हैं वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। ये गांव इमाद पट्टी गांव है और ये सड़क जो आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे थे। 2-3 राउंड इस सड़क से के गुजरे हैं और सड़क से गुजरने के बाद सामने में आपको एक दुकान दिख रही है। ये जो आप दुकान देख रहे हैं इस दुकान के अंदर एक 22 साल का लड़का जो दुकानदारी करने के लिए दुकान में उपस्थित थे उसी दरमियान वो अपराधी उस बात को नोटिस करते रहे, उस व्यक्ति के ऊपर वार करना है जो इस दुकान में है। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसको सुनकर के बिहार की तमाम आम जनता कांप उठेगी। जब ऐसी खौफनाक घटना आम हो जाए और सुबह के समय में जब लोग उठ कर के दैनिक कार्य कर रहे हो और ऐसी परिस्थिति में ऐसी दुर्दांत घटना घट जाए तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। क्या लगता है कि बिहार में इन अपराधियों के ऊपर प्रशासन का कोई भी शिकंजा है? शिकंजा होता, खौफ प्रशासन का होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। जब इस घटना की जानकारी मिली है कि उस लड़का से न किसी तरह का किसी का पहले कोई तूतू मैमे हुआ है और न ही किसी प्रकार की इस परिवार के साथ किसी व्यक्ति का कोई ऐसा उलझन रहा है जिसके कारण ऐसे घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों अपराधी बेखौफ होकर के इस घटना को अंजाम दिए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जगह जो आप देख रहे हैं ये घेरा गया है। आप देख लीजिए यहाँ आपको दुकान के आगे चारों तरफ खल्ली से लाइनिंग किया गया है, यानी ये प्रोटेक्टिव एरिया है। इस एरिया में अभी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सामने में टेबल रख दी गई है और दोनों तरफ बांस बल्ले रख दिया गया है। लोग यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि अनुसंधान का विषय है। अपराधी अपराध करके चले गए हैं लेकिन अपराध का सुराग अब तक पता नहीं चला है। 4-5 घंटा बीत जाने के बाद भी इस घटना को लेकर के प्रशासन किस प्रकार की तैयारी कर रही है और अपराधी किस प्रकार से बेखौफ होकर के इस घटना को देख अंजाम दे करके भाग रहे हैं और उसके लिए प्रशासन किस प्रकार से तत्पर है ये जानना जरूरी है। साथ में ये परिवार जो अपने मेहनत के बल पर इस समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाए थे, चाहे किसी के घर में शादियां हो, चाहे किसी के घर में मुंडन हो, चाहे किसी के घर में कोई भी उत्सव हो, यहां आने के बाद उसका तमाम समस्याएं दूर हो जाती थी। उनके पास पैसा हो या नहीं हो वो 5,000 जमा करे, 10,000 जमा करे, लेकिन ये परिवार इस समाज के लिए, ये परिवार उनके समस्याओं को सुनने के लिए, उनके समस्याओं को समझने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दुकान ये है जिसमें राशन की सामान रखी हुई है, ये भी दुकान है जहाँ कपड़ा की दुकान है, बगल में फॉर्चून का दुकान है और सामने में कुछ और दुकान है, जो चारों दुकान इसी का है। कारण अब तक नहीं पता चला है आखिर क्यों, जब तक इस बार इस घटना के संदर्भ में और इस घटना के तह में प्रशासन नहीं पहुंचेंगे तो शायद इस घटना की उद्भेदन होना संभव नहीं है। उनसे संभव नहीं होता है तो शायद सीबीआई की जो मांग की जा रही है सीबीआई से जांच करवाई जाए। हम चलते थोड़ा परिवार के अन्य लोगों से आपको बात करवाएंगे। ये चाचा जी हैं, आप देख सकते हैं जो जहां है वही परे हैं और उसके याद में और अपने भतीजा को याद में क्या कहना चाहते हैं जिसको इतना छोटा से पालते हुए आज इतना बड़ा किया था। जब वो जन्म लिए थे उस समय किस प्रकार की खुशी हुई होगी और आज
इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं जहां अपराधियों ने ऐसे घटना कर दिया है, तो इनके आंखों के आंसू को पढ़ने की जरूरत है कि आखिर ऐसी घटना क्यों। थोड़ा होश संभाले चाचा, क्या मांग करते हैं इस घटना को लेकर? सीबीआई का जांच करवा दीजिए, जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। किसी से उसका कभी तुतु में हुआ था? नहीं, 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 आप लोगों का कभी हुआ था? नहीं, नहीं, किसी का। या आपके परिवार के किसी सदस्य का हुआ था? नहीं, कोई दुश्मनी बिजनेस को लेकर के कभी हुआ था? नहीं, किसी का नहीं। तो आप देख सकते हैं कहीं से कोई भी सुराग नहीं स्पष्ट हो रहा है। ककरो से दुश्मनी एहन बदराता भेने मुश्किल छले, चार गांव के लोग को नहीं आबे। चाची बोल रही है जीए छले हन, ककरो से नहीं उनका कुछ दिक्कत छले। तो आप देख सकते हैं गांव में किस प्रकार की इस परिवार के लिए इज्जत है। वो गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष, गांव के बच्चे जहां आप देखेंगे भरे हुए हैं। पता मार दल के चल गए, ओकरे से लूट लेता दुकान, बराती चले तो दुकान नहीं लूटला, बच्चा का मार का भाग गया। वहां पोता के छ दिन के चले था ये हमारा दियोर चले भाभी, दियोर चल गए। हां, हमारा भाभी तो आप समझ सकते हैं कह रही है कि सामान लूट के भाग जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मार दिए हैं तो ये कितना सदमा इस परिवार के लिए पड़ा है, आप समझ सकते हैं। वहां पता दुकान लूट के लो देता है, हां बच्चा का छोड़ देता है। एक और चाची है, उससे बात करते हैं। क्या करने थे, सामान लूट लट लेते चल जाते, बाबू का जान बचा देते। एक देख सकते हैं चाची है जो बेहोश होकर के पड़ी हुई है, और ये शायद स्थिति आज इसलिए है, चारों तरफ कोहराम मची हुई है। आप जहां कहीं भी नजर घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि यहां कोहराम ही कोहराम मचा हुआ है। और ये घटना हो जाने के बाद आप देखेंगे कि परिवार में किस प्रकार की मर्माहत है, वो आप समझ लीजिए। फिर हम आपको मिलाते हैं, क्योंकि लाश आने वाली है, उस लाश को भी कवरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे।